to another lecture. अब हम discuss करेंगे DBMS languages. अभी तक हमने discuss अभी तक जो हमने discuss किया था वो theoretical part था. अब हम धीरे-धीरे practical पे आते जा रहे हैं. तो सबसे पहले ये clear करना चाहूँगा कि अभी तक आपने जो data models पढ़े पिछले lecture में, उसमें से हम अब जो भी बात करेंगे वो unless stated otherwise या तो ER diagram से related होगा या तो relational data model से related होगा. तो हम ये जो बात कर रहे हैं वो जनरली रिलेशनल डेटा मॉडल पे अप्लाई होता है. अब दो तरह की डेटा डीबीएमएस लैंग्वेजेस होती है. बेसिकली एक होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और एक होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ठीक है, अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या बोलती है? डेटा को डिफाइन करना, उसको क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, उसको ऑल्टर करना या उसके कंस्ट्रेंट्स लगाना. कंस्ट्रेंट्स ऑन डेटा क्या होता है? जब डेटाबेस लैंग्वेज मतलब डेटाबेस जब हम डेटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज लगाते हैं तो हम या तो डेटा को क्रिएट करने के लिए कुछ कमांड लगाते हैं या डिलीट करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए या कंस्ट्रेंट लगाने के लिए. और हम जो भी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं वो कंपाइल होके उसका जो रिजल्ट होता है वो उसके रिजल्ट के फॉर्म में एक सेट ऑफ स्पेशल टेबल्स क्रिएट होती है. ये जब हम SQL पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ऊपर से बात कर रहे हैं कि ये कुछ कमांड्स होंगी SQL में. फॉर एग्जांपल SQL या SQL या तो कोई और जो भी आपकी क्वेरी लैंग्वेज है, जैसे सपोज GCL इज ऑल्सो अ क्वेरी लैंग्वेज, मतलब GCL ऑल्सो यूज इन डेटाबेस. सो क्रिएशन, डिलीशन, ऑल्टरेशन और कंस्टेंट्स के जो स्टेटमेंट हैं वो जब कंपाइल होंगे तो वो एक स्पेशल सेट ऑफ टेबल्स बनाएंगे जो हमारे डेटा के टेबल्स से अलग होंगे, जिनको हम मेटा डेटा भी बोलते हैं. दैट इज डेटा अबाउट डेटा. कि डेटा डेटा का डेटा जो हम स्टोर करने वाले हैं उसके बारे में डेटा, कि वो डेटा कितना स्टोर होगा, कौन कौन से डेटा टाइप होंगे, कौन कौन सी एंटिटी होगी, कौन कौन से टेबल्स पे स्टोर होगा. तो इसको बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा, यानी मेटा डेटा. तो ये जो मेटा डेटा है, ये मेटा डेटा फाइल जो है इसको हम डेटा डिक्शनरी भी बोलते हैं. डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी. तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कुछ सेट ऑफ कमांड्स या स्टेटमेंट्स हो सकता है जो डेटा बेस में टेबल या डेटा टेबल एंटिटीज या एंटिटीज क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डेटा ऑल्टर करने के लिए. भी हमने जो डेटा बना लिया उसमें कुछ अब चेंज कर रहे हैं. सपोज मैंने स्टूडेंट का डेटा बनाया, उसमें मैंने स्टूडेंट की फाइव प्रॉपर्टीज रखी, नेम, एड्रेस, रोल नंबर, सब्जेक्ट और उनका क्लास टीचर कौन है. सपोज अब मुझे उसमें एज ऐड करना है, मुझे कोई कॉलम ऐड करना है या मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है या मुझे कोई टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन. या फिर मुझे डेटा में कंस्ट्रेंट लगाने की, जो स्टूडेंट का नाम है वो ब्लैंक नहीं हो सकता, या स्टूडेंट का नाम जो है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, 1, 2, 3 है सपोज, या उसमें कोई नंबर नहीं आ सकता. तो ये होता है कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट से क्या होता है, डेटा जो रहता है मीनिंगफुल रहे या हम इंश्योर करते हैं, इसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी. डेटा जो है वो मीनिंगफुल है, डेटा करप्ट नहीं है. क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो अगर मुझे इंश्योर करना है कि डेटा पे इसमें गलती से कोई ऐसी एंट्री नहीं है जिसमें नाम में नंबर आ जाए या कोई स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, तो मैं डेटा पे कंस्ट्रेंट्स लगा दूंगा. तो कंस्ट्रेंट्स भी बहुत तरीके के होते हैं और कंस्ट्रेंट बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी और डेटा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए यूज होते हैं. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो जब भी इस तरह की कमांड जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है और ये जब कमांड कंपाइल होती हैं तो इनके रिजल्ट्स के फॉर्म में जो कुछ सेट ऑफ स्पेशल टेबल्स बनते हैं जो कि खुद एक्चुअल डेटा टेबल्स नहीं होते हैं, वो मेटा डेटा टेबल्स होते हैं. मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, जो ये बताता है कि आपने जो डेटा स्टोर करने वाले हो उसका खुद का नेचर कैसा है, उसके बारे में डेटा बताता है कि कौन कौन से एंटिटीज हैं, कितने टेबल्स हैं, कितने कॉलम्स हैं. तो हम ये जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहे हैं, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, और ये जनरली हम SQL की बात कर रहे हैं. तो ये जो इसका एग्जाम्पल हो गया SQL में क्रिएट टेबल कमांड, ऑल्टर टेबल कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड एक्सेट्रा. ये हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. अब दूसरे टाइप की जो DBMS लैंग्वेज है दैट इज नोन एज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. इसके नाम से ही क्लियर है कि हम डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं. मैनिपुलेट करना मतलब डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को इंसर्ट करना एक्सेट्रा. तो ये जब कमांड्स रन होती है तो कोई स्पेशल टेबल नहीं होते हैं, जबकि जो आपके और जो एक्चुअल डेटा टेबल्स होते हैं, मतलब मेटा डेटा नहीं, डेटा जो जिसमें हम एक्चुअल डेटा स्टोर करोगे, उन टेबल्स में चेंज आता है या उन टेबल से हम डील करते हैं. और जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट होते हैं, तो ये एक्चुअल टेबल के डेटा में चेंज करते हैं.
या डेटा को रिट्रीव करते हैं, अपडेट करते हैं या इंसर्ट करते हैं। तो ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का एग्जांपल हो गया सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये हो गया एग्जांपल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के एसक्यूएल। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दो तरह की होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज, प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या होता है, यूजर को ये भी बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा चाहिए और उस डेटा को कैसे कहाँ से चाहिए। मतलब मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास मैनुअल रिकॉर्ड्स है, तो मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे सुरेश नाम के स्टूडेंट का रिकॉर्ड ला के दो, पर मैं ये भी बता रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड कौन सी फाइल में पड़ा है, तो वो क्या होगा, प्रोसीजरल। कि मैं आपको डेटा भी बता रहा हूँ और डेटा कैसे लाना ये भी बता रहा हूँ। जबकि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, नॉन प्रोसीजरल डीएमएल में क्या होता है, मैं आपको सिर्फ डेटा बताऊंगा, अब ये आपका लुक आफ्टर है कि आप वो डेटा मुझे कहां से ढूंढ के लाते हो। तो ये डिफरेंस है बेसिकली प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। तो हम जनरली नॉन प्रोसीजरल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे सिलेक्ट हो गया, अपडेट हो गया, सिलेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल, इनको हम क्वेरी स्टेट, क्वेरी लैंग्वेज भी बोलते हैं बेसिकली एसक्यूएल में। इनको कभी कभी लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, क्योंकि जनरली आप नॉन प्रोसीजर, जब आप कोई क्वेरी लिखते हो एसक्यूएल में, तो आपको आपको ये नहीं पता होता है कि वो डेटा कहाँ से स्टोर है, कौन से टेबल से डेटा लाना है। आप सिर्फ डेटा जो आपको चाहिए आप सिर्फ उसका लिखते हो, उसको लाने का प्रोसीजर नहीं लिखते हो या उसको लाने की स्टेप्स नहीं लिखते हो। ये इसका इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको चाय चाहिए तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे, तो आप उनसे सिर्फ चाय बना, चाय लेके आने के लिए बोलोगे आप, या आपको जो भी अपनी फेवरेट डिश है वो आप सिर्फ ऑर्डर करोगे, उसको कैसे बनाना है इसके इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन प्रोसीजरल में अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां पे आपको डिश बताने से पहले आपको ये भी बताना पड़ता है कि डिश को कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो प्रोसीजरल का एग्जांपल होता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के बीच में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। और इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, सिलेक्ट कमांड, अपडेट टेबल कमांड, ये इसके एग्जाम्पल्स है। दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट टूडेज लेक्चर। For more such videos on other subjects also, please follow Arihant Online Academy and subscribe to this channel. Thank you.